अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ मस्जिद जुमा, और मस्जिद जुमा ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है जहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने पहला जुमा इस मस्जिद में अदा किया था, तो उस वजह से इसका नाम जुमा रखा गया। ये मस्जिद जुमा के बाहर के मनाजिर हैं, ये मदीना मुनव्वरा में और मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ में है। उसके साथ यहाँ पर मैं हज़रत अय्यूब अंसारी का घर दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन यहाँ पे क़याम किया था, और ये अभी दरियाफ्त हुआ है जब इन्होंने सऊदी हुकूमत ने यहाँ पे रोड की खुदाई कर रहे थे तो ये घर दरियाफ्त हुआ। सुभान अल्लाह। तो ये घर देखें, ये हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, और इस घर में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन यहाँ पर क़याम किया है। ये पहले नहीं था, जब इन्होंने ये खुदाई कर रहे थे इस जगह की तो ये घर दरियाफ्त हुआ, फिर उन्होंने नक्शे में देखा सऊदी हुकूमत ने, फिर उनको मालूम हुआ कि ये हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है, तो उस वजह से फिर यहाँ पे इसको ये बाउंड्री वगैरह दे के, ये जो सारी बाउंड्री है ये दे के बंद कर दिया है। और ये बिल्कुल मस्जिद जुमा के सामने है, ये मस्जिद जुमा है, और इसके पीछे जो मस्जिद कुबा है, और ये उसके बिल्कुल साथ में, ये देखो ये रोड जा रहा है, ये सामने सिग्नल है, और सिग्नल के साथ में ये बाउंड्री है, ये देखें ये बाउंड्री, और इस बाउंड्री के साथ में ही ये घर है, ये हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, और उसके साथ में ये मस्जिद जुमा, सुभान अल्लाह, ये मस्जिद जुमा के मनाज़िर हैं। मैं अंदर भी चलता हूँ और अंदर भी आपको मस्जिद जुमा की मैं ज़्यारत करवाता हूँ। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तशरीफ़ लाए थे मदीना, तो पहला जुमा जैसे जुमे की नमाज़ होती है, तो पहली जुमे की नमाज़ इस मस्जिद में अदा की थी, तो इस वजह से इसका नाम मस्जिद जुमा रखा गया है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं ज़्यारत करने के लिए, और मैं अंदर भी इसकी वीडियोज़ वगैरह बना के मैं रखता हूँ। ये सामने ये टॉप सेंटर है, एक शॉपिंग सेंटर है, सूक अलकम्मा के नाम से मशहूर है ये सामने, और ये वही रास्ता है जो जहाँ से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा से और हरम की तरफ जाते थे, ये वही पैदल चलने वाला रास्ता है। अभी इस रास्ते से लोग पैदल आते जाते हैं हरम की तरफ, तो ये वो रास्ता है, और ये मस्जिद जुमा, सुभान अल्लाह, इस्लाम की ये मस्जिद जुमा के नाम से याद किया जाता है, इसमें हमारे रसूलुल्लाह ने पहला जुमा अदा किया था, सुभान अल्लाह। और उसके साथ में इस तरफ मैं घुमाऊँ, ये वाला जो बाउंड्री वाला है ये हज़रत अय्यूब अंसारी का घर है। ये माशाल्लाह मस्जिद जुमा के अंदर के मनाजिर हैं, और ये ऊपर उसका गुंबद बना हुआ है जो बिल्कुल ईंटों से बना हुआ है, सुभान अल्लाह। और आज जुमे का दिन है, हम भी यहाँ पे जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए आए हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद नबियुल उम्मी व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम, सुभान अल्लाह। अगर आपको भी दोस्तों कभी यहाँ पे मदीना में आना हो तो इस मस्जिद में जुमे की नमाज़ लाजिम पढ़ना, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा इस मस्जिद में अदा किया था। मैं इसकी लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर किसी को लोकेशन चाहिए तो वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद के अंदर के मनाजिर हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और आज जुमे का दिन है, हम भी यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।